बिहार में कोरोना संक्रमण के हालात को देखते हुए जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बैठक कर रहे हैं और लॉकडाउन की जो अवधि है उसमें बढ़ोतरी करते हुए कुछ छूटें दे रहे थे जो हमने आपको दिखाई थी और बताई भी थी, लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है जो इस लॉकडाउन का जो अनलॉक वन हुआ था या यूं कहें लॉकडाउन में जो छूट मिली थी वो 22 तारीख तक ही थी। अब चूंकि आज 21 तारीख है तो कल ये इस सप्ताह का जो रूल्स और रेगुलेशंस है कोविड 19 के नॉर्म्स को लेकर, लॉकडाउन के नियमों को लेकर, उसमें बदलाव किए गए हैं। आखिर कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर फिर से नीतीश कुमार ने आज बैठक की है, समीक्षा की है और इसमें नीतीश कुमार ने कुछ फैसले लिए हैं। फिर से फैसले लिए गए हैं कि जो सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय है उसे खोल दिया गया है पूर्णतः, यानी कि 100% उपस्थिति रहेगी जो काम कर रहे हैं गैर सरकारी या सरकारी संस्थान में। इसके साथ साथ जो दुकानें हैं वो 7 बजे तक खुली रहेंगी, शाम के 7 बजे तक, और रात्रि कर्फ्यू रहेगी। अभी नाइट कर्फ्यू लगाई गई है ताकि जो डर है कि तृतीय वेव, जो तीसरा वेव है कोरोना का, वो ना आ जाए, और इसको देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रात्रि कर्फ्यू यानी कि नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक, रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। ये जानकारी नीतीश कुमार ने ट्वीट करके दी है, हम आपको ट्विटर के जरिए छोड़ जाते हैं, इनके ट्वीट को आप पढ़िए देखिए।